मेरी बहन हम ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वहाँ लोग मुसलमानों को, मुसलमान औरतों को पर्दे में देख के तंग करते हैं। बहरहाल बेहतर ये है कि एहतियात करें, बाहर न निकलें, और अगर निकलें तो अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये वजीफ़ा पढ़ती रहें, कोई तंग नहीं करेगा। क्या औरतें सफ़ेद लिबास पहन सकती हैं? पहन सकती हैं, लेकिन औरत के लिए हुजूर ने फरमाया कि पसंदीदा लिबास नहीं है सफ़ेद, बल्कि मर्द के लिए पसंदीदा है सफ़ेद। औरतों को चाहिए कि वो सफ़ेद के अलावा कोई रंग वाले कपड़े पहना करें ताकि इम्तियाज हो जाए। वैसे पहन ले तो जायज़ है। नहाने से वजू हो जाता है, तब वजू हो जाता है अगर आपने नहाने से पहले वजू किया है, करके नहाए हैं, फिर हो जाएगा। अगर नहीं किया तो आपको दोबारा वजू करना पड़ेगा। बहरहाल नहाने से वजू तब होगा ना, पहले आप वजू की नीयत भी तो करें ना, नीयत ना करें तो नहीं होगा। मेरी बेटी का खावंद बाहर है, अदालत से खुल ले ली, अदालत ने हमारे हक में फैसला कर दिया है, लेकिन लड़के ने तलाक नहीं दी, नई जबान से कहा है, क्या तलाक हो गई? देखिए जी, अगर अदालत है इस्लामी फिर तो कोई शुभ ही नहीं है, तलाक हो गई, औरत को खुलो लेने का हक। लेकिन अगर कोई ऐसी अदालत नहीं है बल्कि गैर इस्लामी अदालत है, लेकिन उन्होंने भी उसको नोटिस जारी किए, इश्तिहार दिया, अखबार में दिया, उसको बुलाया नहीं है, फिर भी तलाक हो जाए।